नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट को कितने दिन तक लेना चाहिए, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी जानेंगे कि बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट के अंदर कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट एक मल्टी विटामिन हेल्थ सप्लीमेंट है। विटामिन हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर शरीर में कमजोरी होना, शरीर में थकान रहना, शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर होना और बार बार बीमार पड़ना आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर हो सकती है। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करती है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखती है। इसके अलावा बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट शरीर के नाखूनों, बालों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट त्वचा पर बढ़ती उम्र के दुष्प्रभावों को कम करती है और त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करती है। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट के अंदर कौन कौन से विटामिन कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट के अंदर थायमिन 10 mg मौजूद होता है। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। थायमिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम करता है। इसके अलावा थायमिन शरीर की मांसपेशियों, शरीर की नसों, दिमाग और दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट के अंदर राइबोफ्लेविन 10 mg मौजूद होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। राइबोफ्लेविन शरीर के विकास और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट के अंदर निकोटिनिक एसिड 25 mg मौजूद होता है। निकोटिनिक एसिड शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मदद करता है। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट के अंदर नाइसिनामाइड 75 mg मौजूद होता है। विटामिन B3 को नाइसिनामाइड के नाम से भी जाना जाता है। नाइसिनामाइड शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है और दिमाग की याददाश्त को अच्छा बनाता है। इसके अलावा नाइसिनामाइड त्वचा का धूप की वजह से डैमेज होने से बचाव करता है और दिल से संबंधित बीमारियां होने के रिस्क को कम करता है। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट के अंदर पाइरिडोक्सिन 3 mg मौजूद होता है। पाइरिडोक्सिन को विटामिन B6 के नाम से भी जाना जाता है। पाइरिडोक्सिन शरीर में भोजन को एनर्जी में बदलने में मदद करता है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ावा देता है। पाइरिडोक्सिन शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ावा देता है। इसके अलावा पाइरिडोक्सिन प्रेग्नेंट महिलाओं में उल्टी आने का मन होना और जी मिचलाना आदि समस्याओं को भी दूर करता है। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट के अंदर कैल्शियम पेंटोथेनेट 5 mg मौजूद होता है। कैल्शियम पेंटोथेनेट को विटामिन B5 के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम पेंटोथेनेट शरीर में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है और शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसके अलावा कैल्शियम पेंटोथेनेट शरीर के पाचन तंत्र को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट के अंदर फोलिक एसिड 1.5 mg मौजूद होता है। फोलिक एसिड शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर को एनर्जी मिलती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी फोलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा शरीर में फोलिक एसिड की कमी होने पर भी शरीर में खून की कमी हो सकती है। बेप्लेक्स फोरेट टैबलेट के अंदर विटामिन B12 15 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। विटामिन B12 को कोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12
शरीर की नसों और ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर हाथों व पैरों में सुन्नपन होना, हाथों व पैरों में सुई चुभने जैसी संवेदना होना, शरीर की नसों में दर्द व शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी व थकान रहने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेप्लेक्स फोरट टैबलेट के अंदर विटामिन सी 100 mg मौजूद होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आपको कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन आसानी से बीमार नहीं कर पाएगा। इसके अलावा विटामिन सी शरीर में कैंसर होने से बचाव करता है और विटामिन सी त्वचा पर बढ़ती उम्र के दुष्प्रभावों को कम करता है और त्वचा को स्वस्थ व जवान बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन सी शरीर पर घाव होने पर, कोई जख्म या चोट लगने पर उसको जल्दी ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखता है। विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। बेप्लेक्स फोरट टैबलेट के अंदर बायोटिन 260 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। बायोटिन को विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। बायोटिन का सेवन बालों और नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। शरीर में बायोटिन की कमी होने पर बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं और नाखून कमजोर होकर टूटने लगते हैं। बेप्लेक्स फोरट टैबलेट के अंदर मैग्नीशियम 32.4 mg मौजूद होता है। मैग्नीशियम एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी मैग्नीशियम जरूरी होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम डिप्रेशन होने के जोखिम को कम करता है और माइग्रेन की वजह से सिरदर्द होने से रोकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या को ठीक करता है और कब्ज की समस्या होने से भी बचाव करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेप्लेक्स फोरट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। बेप्लेक्स फोरट टैबलेट का उपयोग शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, मुंह में छाले होने पर, शरीर में एनर्जी व स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान व कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों और जिम जाने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों या जिम जाने वाले व्यक्ति भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को ले सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं, स्तनपान करा रही महिलाओं और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। डायबिटीज यानी शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पेट या आंतों की कोई सर्जरी हुई है तो ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शराब का ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को दिन में
केवल एक ही बार और खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को सुबह या दोपहर के समय खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को आप हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ज्यादा ठंडे पानी के साथ बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को न ले, क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी के साथ बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को लेने से पेट के अंदर दवा का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बेप्लेक्स फोरट टैबलेट की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। बेप्लेक्स फोरट टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को कितने दिन तक लेना चाहिए, यह कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बेप्लेक्स फोरट टैबलेट एक हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है तो आप बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी डाइट से न्यूट्रिशन की कमी पूरी न हो जाए। आप अपने शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को कच्चे फलों, सब्जियों, सलाद, दूध, दही, काजू, बादाम व अन्य ड्राई फ्रूट्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में करके भी कर सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को लेने की सलाह दी है तो आपको बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे बेप्लेक्स फोरट टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में बेप्लेक्स फोरट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को रेकमेंडेड डोज से ज्यादा डोज में लेने पर बेप्लेक्स फोरट टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है, इसलिए आपको बेप्लेक्स फोरट टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या बेप्लेक्स फोरट टैबलेट वजन को बढ़ाती है या नहीं। बेप्लेक्स फोरट टैबलेट एक मल्टीविटामिन टैबलेट है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। विटामिन न तो वजन को बढ़ाते हैं और न ही वजन को घटाते हैं, इसलिए बेप्लेक्स फोरट टैबलेट आपके शरीर के वजन को नहीं बढ़ाती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका बेप्लेक्स फोरट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।